दोस्तों, मनचाही प्रेम पाने के लिए लड़का हो या लड़की, इस युवा अवस्था में कुछ लोग अनेकों उपाय करते हैं। इन्हीं उपायों में से एक है कामदेव की साधना। इस साधना को करने वाले साधक को सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। अगर कोई लड़का किसी लड़की या फिर कोई लड़की किसी लड़के का प्रेम पाने की इच्छा रखते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। तो आइए सबसे पहले इस साधना के कुछ रहस्यों के बारे में आपको जानकारी देता हूं कि आखिर ये साधना इतना पावरफुल क्यों है। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, तभी आपको इस साधना के रहस्य और इस साधना को करने की पूरी विधि समझ में आएगी। सनातन परंपरा में पुरुषार्थ चतुष्टय के तहत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार प्रमुख चीजें बताई गई हैं। यदि इसमें काम की बात करें तो तमाम तरह की कामनाओं और इच्छाओं का नाम काम है। सनातन परंपरा में धर्म की मर्यादा में रहते हुए काम में प्रवृत्त होने की बात कही गई है। शास्त्रों में कामदेव को काम का देवता बताया गया है। कामदेव को हिंदू देवी श्री के पुत्र और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का अवतार माना गया है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्म कर दिया था, तब कामदेव ने अपने शरीर को वापस पाने के लिए काफी प्रयास किया, जिसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को स्त्री पुरुषों के अंगों के अलावा कई अन्य वस्तुओं पर वास करने का अधिकार प्रदान किया। कामदेव का निवास यौवन, स्त्री, सुंदर फूल, गीत, परागकण, पक्षियों के स्वर, सुंदर बाग बगीचा, बसंत ऋतु, चंदन, काम वासना, मंद हवा, सुंदर घर, आकर्षक वस्त्र और आभूषण धारण किए अंगों पर है। कामदेव के अस्त्र शस्त्र में विशेष रूप से धनुष बाण का जिक्र मिलता है। काम के देवता का धनुष हमेशा पीला माना गया है। तीर कामदेव का सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है। कामदेव का धनुष गन्ने का है, जिसके तीन कोण हैं, जो तीनों लोक, तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। यह धनुष इस बात को दर्शाता है कि मनुष्य के लिए सृष्टि का विकास करने के लिए काम जितना आवश्यक है, उतना ही कर्म और मोक्ष की प्राप्ति भी जरूरी है। कामदेव अपने जिन शस्त्रों से दूसरे के मन में प्रेम का भाव जगाते हैं, उसके लिए वह पुष्प के पांच बाण का प्रयोग करते हैं। कामदेव के धनुष बाण की खासियत है कि इनसे घायल होने के बाद भी व्यक्ति आनंद और मिठास महसूस करता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कामदेव को प्रेम सौंदर्य और काम का देव माना गया है, इसलिए परिणय प्रेम संबंधों में कामदेव मंत्र साधना और आराधना का महत्व बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति को किसी से प्रेम हो जाए या वह आसक्त हो गया हो, विवाहित स्त्री अथवा पुरुष की अपने जीवन साथी से संबंधों में कटुता पैदा हो गई हो या किसी युवक या युवती का साथी रूठ गया हो और वह उसे मनाना चाहता हो, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वह अपने मन मुताबिक परिणाम नहीं प्राप्त कर पाता, तब उसकी सहायता के लिए तंत्र क्रिया के अंतर्गत कुछ मंत्र के जप प्रयोग बताए गए हैं, जिससे कोई भी अपने साथी को अपनी भावनाओं के वशीभूत कर सकता है। परंतु ज्योतिष में सुझाए गए सभी मंत्रों, उपासना और अन्य उपायों में मूल में एक ही बात होती है। इन मंत्रों को प्रयोग करने के पीछे व्यक्ति के मन में कलुषित भावना नहीं होनी चाहिए, साफ और निर्मल मन से इनका प्रयोग करना चाहिए। धर्मशास्त्र में कामदेव को प्रेम सौंदर्य और काम का देव कहा गया है, इसलिए परिणय प्रेम संबंधों में कामदेव की उपासना और आराधना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए तंत्र विज्ञान में कामदेव वशीकरण मंत्र का जप करने का महत्व बताया गया है। इस मंत्र का जप अचूक होने के साथ साथ हानिरहित भी माना जाता है। मंत्र का उच्चारण शुद्ध शुद्ध करना अनिवार्य है। मंत्र इस प्रकार है, ॐ नमः कामदेवाय, सहकल सहदृश सहमसहलिये वन्हे धुनन जन्मम दर्शनम उत्कंठितम कुरु कुरु दक्ष दक्षुधर कुसुम वाणेन हन हन स्वाहा। प्रतिदिन कामदेव के इस मंत्र का सुबह, दोपहर और रात्रि काल में एक एक माला जाप करें। ऐसा कहा जाता है कि यह जाप एक महीने तक करने पर सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्धि के पश्चात जब आप इस मंत्र का मन में जप कर जिसकी तरफ देखते हैं, वह आपके वशीभूत या वश में हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार प्रेम और काम भावनाओं का कारक शुक्र ग्रह है और प्यार का देव कामदेव को माना गया है। यदि आप भी किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो शुक्र एवं कामदेव को प्रसन्न करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है,
ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंत प्रचोदयात्। इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, मनपसंद सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इस संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंत्र इस प्रकार हैं। कामदेव का शाबर मंत्र को काम शक्ति बढ़ाने वाला माना गया है, जो इस प्रकार है: ॐ नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखं पश्यति तं तं मोहयतु स्वाहा। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के जप से व्यक्ति में आकर्षण शक्ति और यौन क्षमता में वृद्धि होती है। शुक्र मंत्र सौंदर्य को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम द्रा द्री द्रौ सरु शुक्राय नमरु द्री ओम शन सम्मोहनाय फट। भगवान गणेश का सुप्रसिद्ध वशीकरण मंत्र भी रूप सौंदर्य के साथ आकर्षण शक्ति बढ़ाने वाला माना जाता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री हरि क्लीं ग्लौ गणपतये वर वर्दन सर्व जन्म में बशमानाय स्वाहा। माना जाता है कि इस मंत्र के जप से व्यक्ति में आकर्षण शक्ति और यौन क्षमता बढ़ती है। व्यक्ति की कुंडली में स्थित उसके ग्रहों की स्थिति ही उसके जीवन की गति और दशा दोनों को तय करती है। यदि आपकी कुंडली के ग्रह कमजोर हैं, तो आपके जीवन में उससे संबंधित समस्याओं का आना तय है, परंतु ज्योतिष में ऐसी समस्याओं के अनेक समाधान भी सुझाए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, तो इससे उस व्यक्ति को काम संबंधित समस्याएं या फिर प्रेम संबंधों में कलह का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कामदेव को प्रसन्न करने वाले और प्रेम संबंधों में मधुरता लाने वाले कुछ सरल उपाय। एक केला में गोरोचन मिलाकर लेप बनाएं और इस लेप को सिर पर लगाएं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति में आकर्षण शक्ति आ जाती है। नारियल धतूरे के बीज और कपूर को पीस लें और इसमें शहद मिलाएं। नियमित इसका तिलक करने से जिसे आप प्यार करते हैं वह आपको छोड़कर नहीं जाता है। शुक्र यंत्र का निर्माण करा लें और इसे सिद्ध करने के बाद अपने घर के उस कमरे में रखें जिसमें आप सोते हैं। सोने से पहले कामदेव जी का पाठ करें, आपकी काम संबंधी समस्याओं का अंत होगा। शुक्रवार के दिन गुलर की जड़ को सफेद कपड़े में बांधकर या फिर सफेद धागे में बांधकर अपने शरीर पर धारण कीजिए। ऐसा करने से शुक्र देव प्रसन्न होते हैं और आपको प्रेम संबंधित समस्याओं में लाभ मिलता है। शुक्र को काम और प्रेम से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है। अगर व्यक्ति का शुक्र कमजोर होता है तो उसमें काम शक्ति भी कम होती है। अगर आप शुक्रवार के दिन गाय के दूध से स्नान करें और चींटियों को चीनी खिलाएं, तो आपकी यह समस्या हल हो जाएगी। आप अपने घर में हरसिंगार का पौधा लगाइए और प्रतिदिन सुबह शाम उसको पानी दें। इस पौधे को अपनी समस्या बताने से भी इस तरह की बीमारी खत्म होने लगती है। व्यक्ति शुक्रवार को व्रत रखे और इस दिन साथ में ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः इस मंत्र का 1600 की संख्या में जाप करें। शुक्रवार को आटा, चावल, दूध, दही, मिश्री, श्वेत चंदन, इत्र, श्वेत रंग का वस्त्र, चांदी इत्यादि का दान करें। आपको अगर पूर्णिमा के दिन नागा साधु मिल जाए तो आप उनका आशीर्वाद लें और उनके पैरों की धूल को हाथों में लेकर एक पुड़िया बना लें। रात को सोते समय इस पुड़िया को अपने सिरहाने रखकर सोने से अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। आप सफेद मूंगा को चांदी की अंगूठी में जड़वाकर किसी पंडित से इसे सिद्ध करवा लीजिए और इसको हाथ की तर्जनी अंगुली में पहन लीजिए, जरूर लाभ मिलेगा। धे धुम धुर्जते पत्नी वा वी बूम वागधीश्वरी क्रंक्री क्रू कालिका देवी शन शीम शू में शुभम कुरु। यह मंत्र माँ काली का मंत्र है। अगर पति पत्नी परस्पर नाराज है तो प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करें, जरूर लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बताई गई बातें अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।